पूज्य माता और बंधु, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। भजन श्री लाल सिंह जी गोवा कहेंगे। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, बस यही है मेरी आरजू। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, बस यही है मेरी आरजू। तेरा नाम रोशन रहे सदा, है इसी में मेरी भी आबरू। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, इस जहां का कोई भी रोग कभी तेरी देह को न छू सके। तेरी चाह में ऐ सतगुरु, फना मैं खुद को भी कर सकूं। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, तेरी याद मुझसे ना छूट सके। छूट जाए चाहे जहान भी, तेरे ध्यान में ही बैठ कर मिलता है मन को भी सुकून। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, मुझे मान की भी चाह न हो ऐसा कुछ कर दीजिए। खोया रहूं तेरी याद में, बस यही है मेरी जूस्तजू। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, तेरे नाम रूप का ध्यान ही मेरे दिल की बस खुराक हो। पागल समझ ले दुनिया मुझे, ऐसा मैं तुझ में खो सकूं। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, झांकूं मैं दिल में जब कभी गुरुदेव का
भी चाहूं मैं देखना, इस दिल में ही मैं पा सकूं, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर परमात्मा। माता और बंधुओं, आज मैंने सुबह आपके सामने रखा कि 8 घंटे परमात्मा की याद कैसे बड़ी आसानी से की जा सकती है। उसमें आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, साकार रूप के पुजारियों के लिए और निराकार के लिए बहुत डिटेल में आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब स्टेप 8 घंटे का, 1 घंटा हमने परमात्मा की याद की, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। अगर परमात्मा की याद में भोजन किया जाए तो वो भी बड़े आराम से धीरे धीरे पूजा में परिवर्तित होता चला जाता है। तो इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। साधना की पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मनुष्य भोजन करता है, अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है, ये समय खाली है, कोई दुनिया के व्यवहार का काम नहीं कर रहे होते, इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे ऊपर पश्चिम सभ्यता की छाप पड़ी, वेस्टर्न कल्चर, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं, विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप हैं, दुनिया के बिजनेस के घर के, वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। समय भोजन के लिए हमारे पास नहीं है, बातों के लिए समय ज़्यादा है। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया,
इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक ज़िंदगी चाहते हैं। अब वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए तो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, उसी की याद में खाइए, उसी की याद में बिना कोई ग्रास परमात्मा की याद के शरीर में ना जाए, बिना कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के ना पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनता है। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे जो खून बनेगा परमात्मा की रात का रंग हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे अपने इष्ट देव की याद ऑटोमेटिक आएगी बिना प्रयास के। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से चार विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है और इसका इतना सुंदर तरीका इन संतों ने बताया जो ग्रस्त में हुए कि कैसे सहूलियत से आहार की शुद्धि हो जाए। जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरे तब मन नहीं जाएगा क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। और पूजा में भी आप परमात्मा की याद में ध्यान लगाकर पूजा करते हैं तो आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा रात्रि भोजन करने का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाता है, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के दो घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। अब हमें देखना है कि कैसे हम समय परमात्मा की याद में और बिताते चले जाएं। जैसे जैसे हमारा समय परमात्मा की याद में बीतता चला जाएगा वैसे ही वैसे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड परमात्मा की याद में बढ़ता चला जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि जब भी आप उसको याद करेंगे फौरन ऑटोमेटिक आपको याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। उन्होंने बताया तीसरा सब स्टेप, हर मनुष्य सोता है, आज सोने में 6 घंटे सब सोते हैं। संतों ने जो ग्रस्त में हुए उन्होंने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के आपके सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, बैठकर दो काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, वो कैसे करें, अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई काम आपसे बना है
तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए, अपने इष्ट देव के। हे प्रभो, आपकी दया कृपा से हुआ। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने कराया, अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अगर नहीं है कोई कमी, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आपकी ज़िंदगी में झूठ है, कपट है, आपकी ज़िंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मन की बीमारियां हैं ये, तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अपने इष्ट देव के सामने, अपने परमात्मा के सामने प्रार्थना करते चले जाते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो गड़बड़ हो जाती है उसमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें, मामूली बात को, जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोलें। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है, ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप एक एक कमी छोड़ते चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी कमियां आपकी जो विल पावर है बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी कमियां जो आप हम में हैं, जिन्हें सोचते कि नहीं जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। मनोबल बड़ा ऊंचा बनता चला जाएगा, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।